Yo, where we at? It's Grizzly Pete. Grizzly Pete? Yeah. साथ ही साहसी, एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको कैलिफोर्निया के आश्चर्यजनक बर्कले हिल्स में स्थित शानदार ग्रिजली पीक की आभासी यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हूँ। कौन जानता है, आपको सड़क पार करते हिरण परिवार की एक झलक भी मिल जाए। ग्रिजली पीक बर्कले हिल्स में एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में खड़ा है, जो अपने विस्मयकारी दृश्यों और राजसी ओक पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यह इत्मीनान से टहलने या आनंददायक पिकनिक के लिए आदर्श स्थान है। जैसे ही आप इस ऊंचे स्थान पर पहुंचेंगे, आपको कई युवा स्नेही जोड़े मिलेंगे जो हाथ पकड़े हुए हैं और एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे हैं। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, वह चमकने लगता है, जिससे हवा में ताजगी भर जाती है, जबकि मनमोहक दृश्य उसे देखने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। ये युवा जोड़े पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता में डूबकर उस पल में खो जाते हैं। वे संतुष्ट हैं, वर्तमान का आनंद ले रहे हैं और अपने विशेष संबंध का पोषण कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज यहां एक स्वतः स्फूर्त जेडी इलेक्ट्रॉनिक पॉप संगीत बजा रहा था। अब आइए सड़क पर चर्चा करें। ग्रिजली पीक की ओर जाने वाली सड़क की तुलना एक रोमांचक रोलर कोस्टर की सवारी से की जा सकती है, जो अप्रत्याशित मोड़ों से भरी होती है। हालांकि चिंता न करें, क्योंकि यात्रा बिल्कुल इसके लायक है। एक बार जब आप अंततः शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो कल्पना करें कि आप दुनिया के शिखर पर खड़े हैं। एक हल्की हवा आपके चेहरे को छू रही है और एक मंत्रमुग्ध नृत्य में पेड़ों के माध्यम से सूरज की रोशनी को छनते हुए देख रहे हैं। यह एक सुरम्य क्षण है, जो आसानी से पोस्टकार्ड के सामने की शोभा बढ़ा सकता है। कई लंबी पैदल यात्रा के रास्ते इस क्षेत्र को काटते हैं, जो अनुभवी पैदल यात्रियों और इत्मीनान से टहलने वालों दोनों के लिए समान है। यहां वास्तव में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, बस उन शरारती गिलहरियों से सावधान रहें, जो अप्रत्याशित रूप से आपकी आदर्श तस्वीरों में दिखने की कोशिश कर सकती हैं। यहां रहने के दौरान मैंने जो एक अवलोकन किया है, वह यह है कि बहुत से लोग विशेष रूप से देर रात के दौरान दृश्य की प्रशंसा करने आते हैं और शराब, विशेष रूप से बियर का सेवन या मारिजुआना धूम्रपान जैसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं। दुर्भाग्य से इससे अक्सर क्षेत्र में कूड़ा कचरा फैल जाता है। इस व्यवहार को कभी भी स्वीकार्य नहीं माना जाना चाहिए। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए हम एकजुट होकर यह सुनिश्चित करें कि ये क्षेत्र प्राचीन और निष्कलंक रहे। ओह, यह बताना भूल जाइए, विस्मयकारी दृश्यों और इंस्टाग्राम योग्य क्षणों के अपने दिन की शुरुआत करने से पहले आइए मुख्य चुनौती पर ध्यान दें। पार्किंग ढूंढना। यह जानना महत्वपूर्ण है
कि पार्किंग स्थल ढूंढने में कुछ समय और प्रयास लग सकता है। इसके अतिरिक्त वांछनीय पार्किंग स्थलों की कमी के कारण सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर खड़ी चट्टानों वाली संकरी सड़कों पर पार्क करने की आवश्यकता होती है। अपनी कार पार्क करते समय अन्य वाहनों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ने का अतिरिक्त ध्यान रखें। किनारे के बहुत करीब पार्किंग करने से बचें, और जब आप अपने वाहन से बाहर निकलें और पैदल चलें तो अन्य ड्राइवरों के प्रति सावधान रहें। यह ध्यान देने योग्य है कि ग्रिजली पीक सहित कई लोकप्रिय गंतव्यों में पार्किंग की उपलब्धता सीमित है। वे अक्सर बैकपैक, दूरबीन, कैमरे और रोमांच की अतृप्त प्यास के साथ तैयार होकर ग्रिजली पीक पर जाते हैं। प्रसिद्ध बर्कले विश्वविद्यालय परिसर के ठीक पीछे सुविधाजनक स्थान पर स्थित यह वास्तव में एक छिपा हुआ रत्न है।
कुछ समय रुककर कोहरे का अवलोकन करें, क्योंकि यह धीरे धीरे आसपास को घेर लेता है। जैसे ही मैंने नजर डाली, मैंने ढलान के दाहिनी ओर खड़ी एक महिला को देखा। उसकी नजर सूखी घास पर टिकी हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कोई वस्तु खो दी होगी। जब मैं पहुंचा तो मैंने उसे और एक आदमी को घास में कंघी करने के लिए लकड़ियों का उपयोग करते हुए देखा, और वह अभी भी लगन से खोज कर रही थी। शायद उसने कोई बहुत मूल्यवान वस्तु गिरा दी हो, संभवतः कोई ऐसी वस्तु जो छोटी हो और जिसका पता लगाना कठिन हो। Hey, hey, where are we going right now? Montclair Golf Course, about to go golfing right now. Shot.